रात क्लास चल रहा था 8 जनवरी उन्नीस सोमवार को छठी पेज के मध्यान्त में बात चल रही थी इस दुनिया में ये कोई को नहीं मालूम है कि जो पूज्य देवताएं होते हैं वो ही पुजारी बन जाते हैं किसी को भी पता नहीं है कि हम ही पूज्य थे सो हम ही पुजारी बन गए अपने ही चित्रों की पूजा करने लग पड़े तो आप ही पूज्य आप ही पुजारी तो कोई को भी समझाओ कि ये बनेंगे वो कहते हैं ये सब तुम्हारी कल्पना है बस तो जब कोई कल्पना कहते हैं तो अच्छा कल्पना है बरोबर तो इसमें कोई खड़तल नहीं है चलो अब अपना रास्ता ले लियो चढ़ाई भी उनसे मत्था भी मारने की दरकार नहीं रहती है क्योंकि इस दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य हैं मत मतांतर वाले हैं ना तुंडे तुंडे मत भिन्न ये तो है सारी दुनिया में सभी मनुष्य मत और अभी इस दुनिया में मनुष्य मत है श्रीमत तो बस एक दफा मिलती है पुरुषोत्तम संगमेगो पर कल युग के अंत और सत्युग के आदि के टाइम पर जिसे इतना श्रेष्ठ बनते हैं तो मानव मत इसको कहा जाता है बोलो उनको समझाओ मनुष्य मत है और श्रेष्ठ थी श्रेष्ठ भगवान की मत मनुष्यों का तो मन चंचल होता है तो वो तो श्रेष्ठ मत दे ही नहीं सकते हैं और देवता तो दुनिया में होते नहीं जो श्रेष्ठ मत देव देवात्माएं भी भ्रष्ट बन, बन पड़ती हैं संघ के रंग में तो बाप बताते हैं कि ऊंचे ते ऊंचा जो भगवंत है उसकी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत से तुम ये बनते हो मानो मत से भरिक श्रेष्ठ कैसे बनेंगे श्रेष्ठ देवी देवताओं को तो सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं ना और उनको तो वहां कोई कीमत की, की मानव मत की मत मत मतांतर की दरकार ही नहीं है वो कोई बैठ करके किसको को राय देवे या वो कुछ देवे वो तो वहां नई दुनिया में स्वर्ग में कायदा ही नहीं है आ, वो तो बस ऊंची थे ऊंचे भगवंत का ऊंचे थे ऊंचे बाप का दिया हुआ वर्षा भोग रहे इनहेरिटेंस बेहद का बाप है ना तो बेहद का वर्षा देते हैं बाकी जो दुनिया में लौकिक बाप होते हैं या धर्म पिताए भी होते हैं वो तो हद के हैं बेहद के थोड़े ही कहेंगे की समान और में पांच सौ सात सौ करोड़ सभी मनुष्य मात्र के बाप हैं नहीं तो ये भी कोई को मालूम नहीं है कि मानुष्य मत और ईश्वरीय मत का कंट्रास्ट क्या है और ईश्वर की मत तो एक ही बार मिलती है और देवताएं तो मत किसी को देते ही नहीं है उनकी तो मत होती ही नहीं खास इस दुनिया में देवताएं भी असुर बन जाती तो दे बताए किसी को मत देने के लिए नहीं है तो खुद ही उनको जो पुरुषोत्तम संगम युग में ऊंचे ते ऊंचे भगवंत से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिली हुई है उसको स्वयं धारण करते वहां गुरुडोम चलता ही नहीं किसी के गुरु बनते ही नहीं क्योंकि वो तो देवता बन गए ना मनुष्य से देवता बन गए क्या अंतर है मनुष्य और देवताओं में अंतर क्या है, है? खा क्या आ, वो आत्मिक स्थिति में रहती है मना आत्मा चंचल मन के कंट्रोल में नहीं होती चंचल मन वहां होता ही नहीं मनुष्यों को तो चंचल मन होता है है तो देवता बन गए श्रीमत से मनुष्य से देवता बन गए इक्कीस जन्म के लिए तो उनको तो कोई की भी मत नहीं चाहिए कोई भी गुरु गुरु तो वो करते ही नहीं है ना क्योंकि अनेक गुरु हैं दुनिया में जो अनेक प्रकार की मतें देते हैं वहां नई दुनिया में तो बस पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग में एक उंच ते ऊंची बाप की जो मत मिली है देवात्माओं को बस उसी की एक की मत पर चलते हैं तो नई दुनिया स्वर्ग में तो मत की दरकार ही नहीं अभी इस दुनिया में क्या चाहिए है? मत चाहिए अकल चाहिए बुद्धि चाहिए अभी तो पिछाड़ी में गुरु की मत चाहिए गुरु माने सदगति करने वाला अब आज की दुनिया में सब गुरु बने बैठे घर घर में पति बैठा हुआ है स्त्री का गुरु और है सब पति शक्ति का पतन होता रहता है ना और फिर उनको पति तो कहो तो फिर बिगड़ पड़ेंगे है ना क्योंकि वो सब के गुरु है वेद का गुरु है वो तो कभी किसी से बिगड़ता ही नहीं है बिगड़ता है ज्ञानेंद्रियों से लाल लाल आंखें करता है कर्मेंद्रियों से किसी को हाथापाई करता है कुछ भी नहीं तो जो बेहद का बाप है वो तो बच्चों को समझाते हैं और वो हद के गुरु हैं हटियो भले जानते भी है कि हम नीचे गिरते रहते हैं और उनके फॉलोअर्स भी नीचे गिर रहे मेंटेलिटी नीचे ही गिरती जाती है तो भी अपनी हठ छोड़ते हैं छोड़ते ही। तो ये तुम भले लिख सकते हो तुम्हारे पास है भी लिखत ये है हठ है योगी और हम है सहज तो ये पक्का कराए देना चाहिए खुद भी पक्का कर लेना चाहिए कि ये हठ योगी कभी भी इस दुनिया के राजयोग नहीं सिख सकते इस योग में बड़ा गहरा राज भरा पड़ा है तभी तो बाबा कहते हैं कि ये जो शास्त्र हैं ये शास्त्रों को पढ़ने की भी सन्यासियों को अधिकार नहीं है क्योंकि ये शास्त्र वास्त्र तो प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है और वो तो प्रवृत्ति मार्ग छोड़ देते तो देखो शास्त्रों के साथ प्रवृत्ति क्यों रखते हैं जो अनक मनुष्य गुरुओं के सहन द्वारा लिखे हुए अब देखो वो तीर्थ यात्रा में भी जाते हैं गुरु लोग सन्यासी लोग और उनके साथ प्रवृत्ति मार्ग वाले भी जाते हैं वो गुरु लोग गाइड बन करके चले जाते हैं उनके पास आजकल तो ऐसा ही होता है नहीं तो आगे तो ब्राह्मण जाते थे पंडा करके के हरिद्वार में देखो कितने पंडे रहते थे जो ब्राह्मण थे अभी तो देखो उन ब्राह्मण पंडो को छोड़ दिया फिर अब ये सन्यासी और ये जो होते हैं ना उनको ले जाते हैं तो सन्यासी तो अपने फॉलोअर्स को जो गृहस्थी होते हैं उनको बहुत ले जाते नहीं तो सन्यासियों को तो तीर्थ यात्रा पर बिल्कुल निषेध है ये भक्ति करना तीर्थ यात्रा करना ये तो गृहस्थियों का काम है परंतु वो सन्यासी तो तब समझे जबके ये ब्राह्मण बच्चे समझे कि ये तो बरोबर प्रवृत्ति मार्ग है और उनका वो निवृत्ति मार्ग है प्रवृत्ति को ही छोड़ छाड़ के चले जाते हैं निभाते हैं क्या नहीं? ये देखो प्रवृत्ति मार्ग वालों की और निवृत्ति मार्ग वालों की से रहे रहा बिल्कुल ही अलग है, है ना और उनको तो इतनी घृणा आतीय प्रवृत्ति से कि वो तो माता का मुंह भी नहीं देखते पहले ऐसे होते थे सन्यासी भिक्षा लेने जाते थे नीची नजर करके भिक्षा ले लेते थे अभी अभी भी कोई ऐसे हैं नही हूं जो जो भी भाषण करते थे तो माताओं को पीठ दे के बैठते थे और पुरुषों को अपने आगे रखते थे क्यों कमजोरी है ना? क्या कमजोरी है सामने रखेंगे तो उनमें दृष्टि चलायमान हो जाएगी इसलिए डरते थे है ना ऐसे भी तुम लोगों को मालूम है कि बरोबर ऐसे थे अभी तो वो हैं या नहीं हैं फिर भी तो उनकी मत वाले तो होंगे ना उन सन्यासियों की गद्दी पर जो बैठा होगा वो भी तो ऐसा ही होगा ना अभी वो कहा है वो कुछ भी पता नहीं लगता है बाकी ऐसे भी तो होते हैं ना बच्चे सुधर गए होंगे उनके बाद दूसरा कोई उनका शिष्य बैठा होगा वे बोले ये तो रंग है हाँ ऐसे तो फिर बहुत करते हैं ना बच्चे पुरुष है और वो माता है पीठ तो नहीं देनी चाहिए है सीता रावण को पीठ देती थी बात ही नहीं करती थी तो ये तो क्या हुआ अपमान हुआ या सम्मान हुआ अपमान हो गया ना तो ये सभी बच्चों को कोई भी मुझने की दरकार नहीं है इन बातों में क्योंकि ये टाइम तो है ही ना स्थापना में और बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फिर बच्चे तो हो ही जाएंगे और बच्चे जो भी पास्ट हो जावे तो बोलो ये तो ड्रामा के अनुसार सब बिल्कुल ठीक ही चला एकदम ये आए और चले गए पास्ट हो गया क्योंकि हमें जानते हैं ड्रामा तो चलता रहता है जो रिपीट होता रहता है तो रिपीट होते रहते हैं तो ये बेहद रंग मंच पर है। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है होता रहता है बिल्कुल एक्यूरेट रिपीट होता रहता है <coughs> कल पहले मुआफी और तुम्हारे से भी सर्विस ऐसे ही होती है जैसे कल पहले हुई थी वैसे ही सर्विस हो। तो ये बात पक्की पक्की याद में रख देनी चाहिए और फिर ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे नहीं पुरुषार्थ भी करना चाहिए तो बाबा कहते हैं देखो तुम ड्रामा ड्रामा कह करके छोड़ेंगे तो भी ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ कराते हैं और बरबस ही पुरुषार्थ करना पड़ता है ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है आज नहीं करेंगे कला स्थितियां परिस्थितियां बहुत खराब हो जाएंगी दुनिया की तो बरबस करना पड़ेगा तो भी कहेंगे डामा के अनुसार ही तुम पुरुषार्थ करते हो और पुरुषार्थ बगैर कभी भी प्रारब्ध मिल नहीं सकती है क्योंकि पुरुष आत्मा को कहा जाता है ना आत्मा के अर्थ है जो कुछ भी करेंगे वो तो अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनेगी ना तो ये पुरुषार्थ आगे करें पीछे करें पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़ता है ये ड्रामा का ऐसा दबाव पड़ेगा कि पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा पर ये जानते हो कि हम तो कल पहले मुआफी भी करते हैं और जो जो भी जैसा जैसा करते हैं वो कल लाभ पहले माफी समझे ना फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ करते हैं थर्ड क्लास पुरुषार्थ करते हैं फोर्थ क्लास पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थ तो सब ऐसे ही करते हैं डॉम आप ले क्या होता है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ सेकेंड क्लास पुरुषार्थ और थर्ड क्लास पुरुषार्थ फोर्थ क्लास भी करते हैं ना पुरुषार्थ वालों को तुम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हो इनकी चलन से मालूम पड़ता है कि ये कैसा पुरुषार्थ करते याद का अब्बल नंबर पुरुषार्थ करते हैं मनन चिंतन मंथन का मन बुद्धि का पुरुषार्थ करते हैं ज्ञान इंद्रियों का पुरुषार्थ करते ज्ञान सुनना सुनाना बाबा की याद में दृष्टि लेना बाबा की याद में मस्त रह करके दृष्टि देना याद होगी तब ही तो दृष्टि देंगे खुद की ही बेबिचारी भी याद होगी तो तुम तो फिर कैसा बनाएंगे सर्विस हुई या डिस हुई डिस्विस करेंगे ना तो उसको भी कहेंगे ड्रामा प्लान अनुसार और किसी को समझाने में भी तुम अगर अच्छी तरह से देखते जाओ कि ये कैसा समझाते हैं तो भी तुम समझ सकते हो कि ये कैसा पुरुषार्थ करते हैं बाबा की याद में रह करके समझाते हैं है ह्या, याद में नहीं रहते हैं देवान में रहते हैं इसलिए तो तुम देते हो ना आदमी आदमी को देख करके फिर उनको वो देते हो एक ग्रुप कि भाई तुम समझाओ तो ये परखना बहुत जरूरी है और बिना परखे कैसा पुरुषार्थी है और ऐसे ही देते रहेंगे तो बहुत ही नुकसान करते हैं किन किन की तो अवस्था ऐसी है जो उल्टा सुल्टा बोलने में है बोल्टा सोल्टा समझाने वालों के सामने बोलेंगे तो वो बेचारे मुझे जाते अब ऐसे समझाने वालों को ज्ञान तो है नहीं पूरा ज्ञान नहीं है है तो ताम आज को बोलते रहते हैं धारणा नहीं है प्रैक्टिकल जीवन में ऐसे तो फिर बहुत ही हैं जिनमें ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है ज्ञान से भी खारिज तो बाबा की याद से भी तो तो वो तो जैसे खाद करते रहते हैं किसी को खुजली हो जाती है ना तो <laughs> समझाते जाएंगे खुजली करते जाएंगे कहते हैं भगवान आया हुआ है तो वो तो कहेंगे ना भगवान आया हुआ है कि चलन ऐसी है ये तो खाते खाते में जाने वाले हैं एकदम अरे पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे और ये तो बात है कि पढ़ाई तो वो बेहद का बाप ही है ना पढ़ाने वाला तो वो तो सब अच्छी तरह से है वो बेहद का सुप्रीम सोल बाप आत्माओं का कितना विशाल बुद्धि बनाती है बेहद की बुद्धि बनाते हैं कैसी बेहद की बुद्धि विश्व कल्याणकारी विश्वनाथ बनाते हैं कि कोई स्टेट का नाथ बनाते हैं या अपने घर का स्वामी बनाई देते हैं है क्या बनाते हैं विश्व का मालिक बनाते हैं विशाल बुद्धि बनते हैं ना तो देखो भक्ति मार्ग में भी उनको बुद्धि का तीसरा नेत्र दिखाते है ना तो ये नशा भी चाहिए अरे इतना नशा चाहिए जो बक बस बुद्धि में सदैव रहे कि हमको कौन पढ़ाते हैं हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं हमको पढ़ाने वाला कोई राक्षसों का गुरु शुक्राचारी नहीं है हमको पढ़ाने वाला कोई देवात्मा भी नहीं है कौन है हमको पढ़ाने वाला जो ऊंचते ऊंच देवता बनता है ना विष्णु जिसे कहा जाता है उसको भी पढ़ाने वाला कौन है कि वो है सुप्रीम सोल बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो विरुद्ध लेता है कि मैं दुर्योधन दुशासन जैसे पुरुष में भी आता हूं तो उसे क्या बनाता हूं पहले है? क्या बनाता हूं साधारण ब्रह्मा साधारण माता नहीं बड़ी माता परम ब्रह्म बनाता हूं तब स्थापना होती है असली कैसी मनुष्य से देवता की करतन लागी बार देखो ये बुद्धि में सदैव रहना चाहिए कि हमको वो प्रवृत्ति मार्ग वाला भगवान पढ़ाते खुद भी प्रवृत्ति मार्ग में रह करके देवात्माओं की दुनिया की स्थापना करते हैं करणहार है कि नहीं और बच्चों से कराते हैं। है तो ये पक्का कर देना चाहिए क्या हम को तो वो ऊंचे थे ऊंचा भगवंत पढ़ाते हैं है? और कैसे पढ़ाते हैं है? कैसे पढ़ाते हैं देवान में रह के पढ़ाते हैं कैसे साबित हो कि देवान में होकर पढ़ाते हैं कि आत्माभिमान में होकर पढ़ाते हैं किस बात से साबित होता है कहते हैं मैं बच्चों का ओबिडेंट सर्वेंट हूं कौन से बच्चों का होगा नहीं।, नहीं जो अपन को आत्म की स्थिति में स्थित करते हैं आत्मा समझते हैं ऐसे ओबिडेंट बच्चों का मैं ओबिडेंट सर्वेंट बन के पढ़ाता हूं कैसे आत्म की स्थिति में रहते हैं आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करते हैं देहन को छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं देह की संबंधियों देह के संपर्कियों को भूलने का पुरुषार्थ करते हैं तो ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले बच्चों का मैं ओबीडेंट सर्वेंट हूं क्या अभी अभी ऑर्डर करें अभी अभी उनके ऑर्डर को पूरा करता हूँ तो सदैव बुद्धि में रहना चाहिए कि हम किसे के बच्चे हैं जो हमको पढ़ाते हैं है? क्या लाते हैं हमारे लिए अखूट ज्ञान धन का भंडार लाते जो इस दुनिया में किसी के पास है ही नहीं और भगवान आकर के हमको अकूट ज्ञान का भंडारी बनाते आप समान बनाते हैं कि नहीं उनका तो विरोध है क्या कि मैं तुम बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं कि तुम बच्चे पढ़ करके वार पुरुषार्थ अनुसार मेरे समान बाप समान बनते हो तो ये क्वेश्चन उठता है क्या कि हम किसके बच्चे हैं है? अरे अकूट ज्ञान धन देने वाला तो एक ही है पढ़ाने वाला और बच्चे तो दूसरों दूसरों के होते हैं ना है? होते हैं अरे भाई तुम्हारे बाप का नाम क्या है? है तो वो तो सभी अपने बाप का नाम फलाना है फलाने का मां नाम देते हैं कोई पूछेगा तुमको कौन पढ़ाते हैं तो तुम बतावेंगे हमको बेहद का मास्टर है बेहद का सुप्रीम टीचर पढ़ाते हैं तो तो देखो जब जब विचार आता है वाह हमको ऊंचे थे ऊंचा भगवान पढ़ाते हैं। तो बुद्धि में आता है ना अरे हम किसके बच्चे हैं है? और भगवान के बच्चे होंगे तो किसको पढ़ाएंगे रावण के फॉलो करने वालों को पढ़ाएंगे नहीं भगवान के बच्चे भगवान भगवती बनने वालों को ही पढ़ाएंगे नंबरवार बनते हैं और किसको पढ़ाएंगे और फिर कोई पढ़ाने वाला ऊंचे ऊंचे है कोई दूसरा थोड़ा ही होगा वो तो एक ही है वो बताते हैं जो जैसा होता है वैसा ही बनाता है, है। बेहद का भगवान है तो क्या बनाएगा बेहद का भगवान भगवती बनाएगा तो भगवान के बच्चे बनते हो तब तो बुद्धि में आता है ना कि भगवान इनको पढ़ाते हैं पीछे नहीं पढ़ सकते हो कब पीछे जब भगवान आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में तब ही पढ़ सकते हो फिर तो, तो वो अपनी दुनिया में नई दुनिया में भाग जाते हो तो फिर भगवान भी समझते हैं है? कि नई दुनिया में जाने वाले मेरे बच्चे है, है? जो अपन को आत्मा समझते हैं नहीं तो पुराने दुनिया में भाग जाते हैं तो बाप क्या समझते हैं ये हमारा बच्चा नहीं है ओम शान